नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 25 सितंबर को हो गया है। यहां 243 सीटों पर तीन चरण में मतदान होंगे। पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर, दूसरे चरण की वोटिंग 3 नवंबर और तीसरे चरण की वोटिंग 7 नवंबर को होगी, तो वहीं 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। इन सब के बीच पुष्पम प्रिया चौधरी ने ट्वीट कर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पुष्पम प्रिया चौधरी भोजपुर जिले की बड़हरा विधानसभा सीट, भागलपुर की कहल गांव विधानसभा सीट, समस्तीपुर जिले की मोरवा विधानसभा सीट, पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा सीट, मधेपुरा के बिहारीगंज विधानसभा सीट, सुपौल जिले की निर्मली विधानसभा सीट, गया नगर विधानसभा सीट, कटिहार के बरारी विधानसभा सीट, मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इसके अलावा पुष्पम प्रिया चौधरी ने ट्वीट कर कहा कि लोग कहते रहे हैं कि विकल्प क्या है, मैं और हमारी पार्टी प्लूरल्स बिहार को वही विकल्प दे रहे हैं। 243 साफ सुथरे, पढ़े लिखे, प्रतिबद्ध अपने क्षेत्र और बिहार को श्रेष्ठ बनाने के जुनूनी उम्मीदवारों का एक प्लेटफॉर्म। बिहार विधानसभा चुनावों में जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है वो है पुष्पम प्रिया चौधरी। दरअसल पुष्पम प्रिया चौधरी ने मार्च में ही राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी थी, वो भी एक विज्ञापन के जरिए। अखबारों में छपे एक विज्ञापन के मुताबिक पुष्पम प्रिया चौधरी ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी प्लूरल्स बनाई और विधानसभा चुनाव में सीएम उम्मीदवार होने का दावा किया था। आपको बता दें कि पुष्पम प्रिया चौधरी जेडीयू के नेता और विधान परिषद के सदस्य रह चुके विनोद चौधरी की बेटी हैं। पुष्पम प्रिया के बारे में उनकी पार्टी की वेबसाइट पर लिखा है कि उन्होंने मशहूर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।